जो जन्माष्टमी ड्राइंग चल रहा था उसी का ही थर्ड पार्ट लेके हाजिर हो चुका हूँ। आज मैं रेस्ट ऑफ द ड्राइंग कलर कंप्लीट करने वाला हूँ। गाइज अगर आपने फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखे तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हो। तो गाइज चलिए आज का ड्रॉइंग स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट द ड्रॉइंग, आपको तो पता है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है आप अगर नए हो, और आपको इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है, और वीडियो में जरूर कमेंट करना है। आप लोग बताओ ये ड्राइंग आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल हो रहा है, आप लोग बताओ ये ड्राइंग कैसा आप लोगों को लगा है। तो गाइस चलिए आज का ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। गाइज मैं फर्स्ट पेस्टल व्हाइट कलर यूज कर रहा हूँ। आप लोग अगर फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट का वीडियो देखे तो आपको पता ही है मैं कैसे व्हाइट कलर फर्स्ट यूज किया, देन उसके बाद स्किन कलर यूज किया। नाउ मैं व्हाइट कलर के बाद ये सलमान पिंक कलर यूज कर रहा हूँ, यशोदा माँ का हाथ का जो कलर है उसमें। अब ये स्किन कलर आप देखो, मैं पूरा सरफेस में, हैंड का पूरा सरफेस में स्किन कलर नहीं यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पर रिक्वायर्ड है उसी जगह पे यूज़ कर रहा हूँ। बाकी एरिया जहाँ पर व्हाइट छोड़ दिया, जब मैं ब्लेंड करूँगा ना उस जगह भी, ये जब ब्लेंडिंग करूँगा उस जगह भी पूरा फिल हो जाएगा। तो किसी किसी जगह पर मैंने यूज़ किया, किसी किसी जगह पर मैंने कलर व्हाइट ब्लैंक ही छोड़ दिया, मगर नीचे तो ऑब्वियसली मेरा व्हाइट कलर है। नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, पिंक कलर यूज़ कर रहा हूँ। गाइज आपको मैं जैसे ये वीडियो डिक्टेट करता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप उसी हिसाब से सुनना भी है, इवन वीडियो को देखना भी है, ताकि आप लोग कर पाओ। नाउ मैं इसको ब्लेंड कर रहा हूँ कटन बार से। गाइज देखो, जैसे कि मैं अभी बोला आपको, जैसे मैं ब्लेंड करूँगा ना वो जो व्हाइट सरफेस मैंने छोड़ा था वो फिल हो जाएगा। देखो मेरा फिल हो गया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर पेंसिल, ये पिंकी शेड्स का ही है, पिंक आपका मॉव रोज पिंक इसी शेड्स का कलर पेंसिल है। इस कलर पेंसिल का नाम मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि ये मेरा प्रिज्मा कलर पेंसिल है। इसमें मैं मेरा पिंक कलर का ही 10 सेट है या 10-12 सेट तो है कलर पेंसिल का, तो इसमें एक ही शेड्स का, जैसे रेड का ही 15-20 है, पिंक का ही 10-12 है, तो ऐसे सेट बहुत है, बहुत कलर डिफरेंट डिफरेंट नेम है। तो आप क्या करो, जैसे ये वाला पोर्शन चल रहा है तो वीडियो को पॉज करो, आपको दिख रहा है कौन सा शेड कलर पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसी का ही नज़दीक जो कलर होगा आप यूज़ कर सकते हो आपके वीडियो में। डिफरेंट आपके पास भी 120 का शेड्स रहेगा, वैसा तो कोई मतलब नहीं है, तो आपका नज़दीक जो भी शेड्स है आपके पास है आप यूज़ कर सकते हो। और आपके पास ऑयल पेस्टल है, कलर पेंसिल नहीं है, तो आप ऑयल पेस्टल से ही करो, मगर वेरी ध्यान से करो। गाइज आपको इससे भी इजी ड्राइंग हम लोगों से सीखना है तो हम लोग का और एक चैनल है रंग कैनवास टिटिल स्टार्स आर्ट रूम, आप उस चैनल पर जाओ। उस चैनल पर हम लोग क्या करते हैं, एकदम वेरी इजी ड्राइंग। गाइज ये जो ड्राइंग है मैं आज को दिखा रहा हूँ, डेफिनेटली ये बिगिनर से थोड़ा ऊपर वाला ड्राइंग है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का ड्राइंग है, ये बिगनर्स थोड़ा सा टफ है, आप लोग भी मानते हो, मैं भी मानता हूँ, क्योंकि आप अगर सिर्फ ऑयल पेस्टल सीनरी देखना चाहते हो या सब्जेक्ट ड्राइंग देखना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, हम लोग का अभी मैंने जो बताया रंग कैनवास टिटिल स्टार्ट्स आर्ट रूम, उस चैनल पे जाओ। वो चैनल बिगिनर फ्रेंडली चैनल है, बिगिनर्स लोगों के लिए हम लोग उस चैनल को प्रॉपरली डेडिकेट किया है, आपको नाम से ही पता चल रहा है। उस चैनल पर हम लोग आप लोगों के लिए इजी स्टेप बाय स्टेप सब्जेक्ट ड्राइंग, स्कूल प्रोजेक्ट में जैसे ड्राइंग रहता है वैसा ड्राइंग, आप लोग कंपटीशन के लिए जैसे ड्राइंग डिमांड करते हो वैसा ड्राइंग हम लोग शेयर करते हैं। तो आप अगर बिगनर्स हो, सब्जेक्ट ड्राइंग कंपटीशन वाला ड्राइंग कंपटीशन के लिए जैसे ड्राइंग है वैसा ड्राइंग आपको चाहिए देखना है, तो आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। नाम है देखो गाइस, साड़ी में जो कलर कर रहा हूँ, येलो कलर यूज़ किया, देन ऑरेंज कलर यूज़ किया, नाउ मैं रेड कलर यूज़ किया, ब्राउन का शेड यूज़ कर रहा हूँ, नाउ मैं ये जो पर्पल कलर है पर्पल कलर यूज़ कर रहा हूँ। गाइज तो आप लोग देखो ये वायलेट कलर पर्पल कलर आप कह सकते हो, ये सब कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ। गाइज आपको स्क्रीन पे भी मैं नाम किसी जगह पे मेंशन कर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऑयल पेस्टल का नाम मेंशन कर दूंगा, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हो अगर आपको किसी जगह पे डिफिकल्टीज आ रहा है तो। ना मैं टिश्यू पेपर से, ये पूरा जगह है इस जगह सरफेस भरा है इसलिए टिश्यू पेपर यूज़ कर रहा हूँ, लोग भी टिश्यू पेपर यूज़ करो, अदरवाइज आप लोग हाथ यूज़ कर सकते हो। हाँ हाथ जब यूज़ करोगे फिंगर से आप ब्लेंड करोगे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको हाथ को बार बार क्लीन करना है, नहीं तो आपका ड्राइंग गंदा हो जाएगा। नाउ मैं सीजर से स्क्रैच करके, ये स्क्रैचिंग टेक्निक है, आप अगर फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखिए तो आपको पता ही है मैं कैसे स्क्रैचिंग करके पूरा वीडियो करते आ रहा हूँ। तो ये स्क्रैचिंग करके मैं जो साड़ी का डिज़ाइन है वो सब कर रहा हूँ। देखो मैंने नीचे वाला सरफेस क्या था, लाइट कलर था, और ऊपर वाला सरफेस डार्क है, तो सीजर से मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाला जो सरफेस है उसका कलर रिमूव कर रहा हूँ, तो नीचे वाला सरफेस का जो कलर था वो क्या है, ऊपर निकल के आ रहा है। इसी टेक्निक से मैं पूरा ये साड़ी का जो डिज़ाइन है, जब डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा आप लोग देखना कितना ब्यूटीफुल लगेगा। ये मैं रैंडम डिज़ाइन अभी जो दिमाग में आ रहा है वो मैं करते जा रहा हूँ, बेसिकली ये कोई प्री डिसाइडेड डिज़ाइन गाइज है नहीं, जैसे जैसे दिमाग में आ रहा है वैसे वैसे मैं करते जा रहा हूँ। तो आप लोग
अगर इसी स्टाइल से साड़ी को डिज़ाइन करना चाहते हो तो ये डिज़ाइन आप लोग फॉलो कर सकते हो। मगर स्टाइल क्या है, स्टाइल स्क्रैचिंग टेक्निक है, इसी स्टाइल से आपको करना है। अगर ऑयल पेस्टल कर रहे हो तो स्क्रैचिंग टेक्निक से आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो, मगर तब आप कर पाओगे जब, अगर आप बिगिनर्स हो तो तब लोग तब कर पाओगे जब आप मेरा वॉइस ओवर को ध्यान से सुनोगे। मैं वॉइस ओवर इसलिए देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प हो जाए ड्राइंग करते वक्त। देखो मैं कैसे डिजाइन कर रहा हूँ गाइस स्क्रैचिंग करके। ना मैं ये देखो छोटा छोटा डिटेल्स है, ये सब डिटेल्स कर रहा हूँ। ये बहुत बढ़िया टेक्निक है गाइस, आप लोग भी इस टेक्निक से करो। आप लोग इस टेक्निक फर्स्ट अटेम्प्ट पे, अगर आप बिगिनर्स हो तो आपका ड्राइंग ख़राब हो सकता है। आप ज़्यादा प्रेशर यूज़ कर मत करना ये सीजर से, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रेशर यूज़ करोगे तो पेज तो इमनी पतला है वो फट सकता है। तो आपको ज़्यादा प्रेशर यूज़ नहीं करना है, हल्का हाथ से करना है। ये देखो मैं जशोदा मैया का जो ब्लाउज का डिज़ाइन है वो भी कर रहा हूँ। फर्स्ट क्या किया था, पिंक कलर यूज़ कर दिया था। देखो ऊपर वाला क्या कलर था, वायलेट कलर था। क्या कलर रिमूव कर रहा हूँ, वायलेट कलर रिमूव कर रहा हूँ, और नीचे वाला सरफेस का जो कलर है पिंक कलर वो सामने निकल के आ रहा है। इसी तरीके से मैं पूरा साड़ी का डिज़ाइन किया। ये देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, साड़ी का जो पार है वो कितना डिज़ाइन कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना तब आप देखना ये कितना और भी कितना ब्यूटीफुल लगेगा। गाइज आपको मैं बार बार बताता हूँ, आप लोग क्या करते हो, पूरा वीडियो टान के एकदम पीछे ले जाते हो, एंड रिजल्ट पे चले जाते हो। वो मुझे पता है, वो स्टैटिस्टिक्स देख के हम लोगों को पता चलता है। ये आप मत करो, क्योंकि मैं बताता हूँ आप ये करोगे तो आप कभी सीख नहीं पाओगे। आपको लगता है कि ये स्टैटिक इमेज हम लोगों को चाहिए। स्टैटिक इमेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गाइज, आप जाके चेक कर सकते हो। स्टैटिक इमेज रंग कैनवास के वेबसाइट में भी मिल जाएगा, इस वेबसाइट का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कहाँ पर हम लोग इसका स्टैटिक इमेज अपलोड किया है। तो इसके लिए आपको वीडियो के पीछे एकदम जाने का जरूरत नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखो। आप लोगों के कन्वीनियंट के लिए हम लोग स्टैटिक इमेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को। आप लोग बहुत सारा स्टूडेंट हम लोगों से मांगा है सर स्टैटिक इमेज दे दो, फ्लैट इमेज दे दो, तो इसीलिए हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। उधर आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा, पार्ट वन का इमेज, पार्ट टू का इमेज, पार्ट थ्री का इमेज एक साथ मिल जाएगा। जैसे जैसे हम लोग यूट्यूब में वीडियो अपलोड करेंगे वैसे ही हम लोग का जो फ्लैट फाइल है वो उधर मैक्सिमम वीडियो का आएगा, सब वीडियो का नहीं आएगा वो भी मैं बता देता हूँ। जो थोड़ा सा टफ वीडियो है उसका तो आ ही जाएगा गाइज। आप देखो मैं कैसे, ये ज्वेलरी है जशोदा मैया माँ का, वो ज्वेलरी का कलर कर रहा हूँ, सेम स्क्रैचिंग टेक्निक से ही करूँगा। फर्स्ट मैं क्या किया, लाइट कलर यूज़ कर लिया येलो का शेड्स, देन मैं क्या कर रहा हूँ ब्राउन का शेड्स यूज़ किया, देन मैं इसको ब्लेंड कर रहा हूँ गाइज। गाइज मैंने फर्स्ट आपको बता दिया था, आप अगर फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट इस वीडियो का देखे तो मैं बता दिया था कि ये जो ड्राइंग है गाइज ये थोड़ा सा प्रो लेवल का ड्राइंग है। मैं इसको बताता हूँ प्रोमैक्स वाला ड्राइंग, सो आप लोगों के हिसाब से भी नहीं भी हो सकता है, कोई उसमें कोई ये नहीं है, मगर मेरे हिसाब से ये प्रोमैक्स वाला ड्राइंग है। आप लोगों को दिखाता हूँ इसीलिए क्योंकि आप लोग बहुत, अगर बिगिनर्स हो ना तो ये ड्राइंग आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ है, इसलिए मैं इसको प्रोमैक्स ड्राइंग कहता हूँ। तो ये जो ड्राइंग है इसको आपको ध्यान से फॉलो करना है। आप, मैं जब बताता हूँ ये ड्राइंग आपको लग सकता है सर का एक चांस में कैसे हो गया, हम लोगों का नहीं हो रहा है। देखो मेरा बहुत साल का एक्सपीरियंस है इसलिए मेरा ये एक बार में हो रहा है। आप लोगों को डिप्रेस नहीं होना है, अगर आपका ड्राइंग आप कर रहे हो, आप लोग ड्राइंग अगर ख़राब भी हो जाएगा तो आप लोगों को डिप्रेस नहीं होना है। आप लोगों को क्या करना है ना, उससे कुछ लर्निंग लेना है। अब जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर से लेता हूँ कि ये जो मैं स्क्रैचिंग कर रहा हूँ इससे अगर आपको करते वक्त आपका पेज फट गया या आप बहुत ज़्यादा प्रेशर कर लिया तो उससे आपको नर्वस नहीं होना है, उससे आपको ये डिप्रेस नहीं होना है कि मेरा ड्राइंग ख़राब हो गया और क्या होगा। इससे लर्निंग लेना है कि हम मेरा गलती क्या है, मैं ज़्यादा प्रेशर यूज़ किया था इसीलिए सीजर्स का जो शार्पनेस था उसके वजह से मेरा पेज फट गया। तो ये एक एग्जाम्पल है मैं आपको ले रहा हूँ आपके लिए, ताकि वो जो लर्निंग है नेक्स्ट टाइम आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको नेक्स्ट टाइम ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। तो अगर कुछ भी गलती होता है आपका ड्राइंग में तो आपको उससे कुछ लर्निंग लेना है, उससे डिप्रेस नहीं होना है। कि बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट करता है सर आपका तो इतना बहुत बढ़िया आया, ये मेरा तो फालतू हो गया। तो इससे आपको डिप्रेस नहीं होना है, बार बार मैं बताता हूँ, इससे आप कुछ लर्निंग लेना है। कहाँ पर गलती हुआ वो तो आप ही बता पाओगे क्योंकि वो ड्राइंग आपने किया है। वो आपको खुद एनालाइज करना है कि ड्राइंग के कहाँ कौन सी जगह पर मैंने गलती किया और कौन सा गलती किया। और भी एक प्रॉब्लम होता है बिगिनर्स लोगों को, क्या प्रॉब्लम होता है मैं आपको बताता हूँ। जब मैं कलर कर रहा हूँ ना, उन लोग वो पूरा डिटेल्स तो नहीं देखता है, उन लोग एजम्पशन कर लेता है कि ये सपोज मैंने
सरफेस में मैंने क्या किया, बहुत सारा कलर किया। ये जो मैं साड़ी का पार किया है इसमें मैंने कौन सा कलर किया है, ऑरेंज एंड येलो कलर यूज़ किया है। हाँ, आप लोग देखो सिर्फ येलो कलर दे दिया, देन मैंने येलो ऑकर कलर दिया, देन मैंने ब्राउन कलर दिया, मगर आप लोग स्टैटिक इमेज जब देखोगे ना, ये तो स्क्रैचिंग टेक्निक है, स्क्रैचिंग करके किया है। आप अगर वीडियो नहीं देखोगे तो आपको पता कैसे चलेगा। तो आप लोग क्या करोगे, वीडियो पूरा देख लो देन आप करो। इसके वजह से भी आप लोग स्किप कर देते हो, इसके वजह से ही आपका क्या होता है, लैक ऑफ नॉलेज होता है ड्राइंग के बारे में। आप लोग क्या करते हो, फर्स्ट कोशिश कर लेते हो देन आप घबरा जाते हो कि ये ड्राइंग मेरा खराब हो गया। तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आपका ड्राइंग खराब हो सकता है। कौन सा कलर के बाद मैं कौन सा कलर यूज़ कर रहा हूँ, अगर स्टेप आपको पता चल गया ना, जैसे कि मैं ये वाला जो है अभी श्री कृष्ण जी का हैंड का कलर कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, लाइट व्हाइट कलर यूज़ किया, देन लाइट आपका ब्लू कलर यूज़ किया, देन किसी जगह पे मैंने मॉव कलर यूज़ कर दिया, पर्पल कलर यूज़ कर दिया। तो वो वाला अगर आप स्टैटिक इमेज से देखोगे ना, उसके बाद मैं कलर पेंसिल यूज़ किया, तो आप स्टैटिक इमेज से आइडिया लगा सकते हो मगर एक्यूरेट तो नहीं कर सकते हो। मगर आप वीडियो देखोगे तो आपको एक्यूरेटली पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा कलर हमने यूज़ किया है। गाइस, मैं जो बताता हूँ आपको, ये वीडियो का इंफॉर्मेशन जो वॉइस ओवर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ऑफ करके मत देखो। ये सब चीज़ अगर आप कंटिन्यूसली फॉलो करोगे और ये प्रैक्टिस भी प्रॉपरली करोगे, तब आपके ड्राइंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। और ये स्टेप्स आपको तो कभी भी स्किप करना ही नहीं है। ये तो रहा आपका प्रोमैक्स वाला ड्राइंग के बारे में। अभी जो मैं अभी कुछ देर पहले बताया, आपको अगर इससे भी इजी ड्राइंग सीखना है हम लोगों से, तो हम लोग का जो और एक चैनल है रंग कैनवास लिटिल स्टार्स आर्ट रूम, आपको उस चैनल पे जाना है। उस चैनल पे आपको ऐसा टफ ड्राइंग नहीं मिलेगा, उस चैनल पे आपको इससे इजी ड्राइंग मिल जाएगा। आप लोग सपोज किसी भी सब्जेक्ट में ड्राइंग ढूंढ रहे हो, सपोज आपको रेनी सीजन के ऊपर ड्राइंग देखना है, सपोज आपको किसी रेनी सीजन के ऊपर ड्राइंग देखना है, सपोज आप किसी यू नो समर सीजन के ऊपर ड्राइंग देखना है, सपोज आपको किसी भी प्ले के ऊपर ड्राइंग देखना है, किसी भी क्रिकेट प्लेइंग गेम्स या इंडोर गेम्स आउटडोर गेम्स, ठीक है, किसी भी तरीके का ड्राइंग देखना है, तो आपको क्या करना है, वो सब्जेक्ट सर्च करना है यूट्यूब में, उसके बाद रंग कैनवास या रंग कैनवास लिटिल स्टार्स आर्ट रूम ऐसे करके चैनल का नाम दे देना है। तब आपका आपको क्या आ जाएगा, वो चैनल वो वाला ड्राइंग अगर हम लोग का चैनल पे रहेगा तो आपके सामने आ जाएगा। तो ऐसे करके भी आप सर्च कर सकते हो। हाँ, उस चैनल को तो आपको ज़रूर सब्सक्राइब ही करना है, ये मत भूलना कि सब्सक्राइब करना। सो गाइज, आप लोग अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो श्री कृष्ण जी का जो ऑर्नामेंट है, ये ऑर्नामेंट का कलर कर रहा हूँ। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये प्रिज्मा कलर पेंसिल है। इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कलर के साथ कलर का नाम भी मेंशन कर दिया है, कौन सा यू नो कलर, कौन सा ब्रांड का कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ, कौन सा इक्विपमेंट मैंने यूज़ कर रहा हूँ, आई मीन कलर का बेसिकली, और पेंसिल ये सब का, तो वो आप जाके चेक कर सकते हो। और ये छोटा छोटा डिटेल्स है, ये तो आपको ऑब्जर्व करना ही है गाइज। येलो एक्रिलिक कलर यूज कर रहा हूँ हाइलाइटिंग टोन के लिए। नाउ मैं व्हाइट एक्रिलिक कलर यूज कर रहा हूँ कॉटन बार से। ये भी एक टेक्निक है गाइज। ये कॉटन बार का जो फेस है वो क्या है, राउंड है ना, जो टिप है, तो उसमें आप जब कलर लगाओगे ना, तो ये एक डॉट डॉट करके दोगे तो आपका देखो ये राउंड वाला ये व्हाइट आ जाएगा। ये डिजाइन आप इससे कर सकते हो। नाउ मेरा ड्रॉइंग गाइज मोटा मोटी कम्प्लीट। गाइस, ये जो मेरा ड्राइंग है ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है मास्किंग टेप रिमूव करने का। तो गाइस चलिए करते हैं मास्किंग टेप रिमूव। नाउ मैं मास्किंग टेप रिमूव कर रहा हूँ गाइस। ये लास्ट पार्ट है मास्किंग टेप रिमूव करना। आपको मास्किंग टेप भी फिर ध्यान से केयरफुली करना है। अगर मास्किंग टेप रिमूव करने के टाइम आपका पेज फट जाएगा तो खराब हो जाएगा, पूरा रिजल्ट आपका बेकार हो जाएगा। अभी देखो ये ड्राइंग कैसा लग रहा है। ये जो मेरा ड्राइंग है जन्माष्टमी ड्राइंग, ये मेरा कंप्लीट हो चुका है गाइस। ये देखो ये ड्राइंग कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये ड्राइंग बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ना, देखो गाइस कितना एकदम मतलब फोटो फिनिश जैसा लग रहा है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। तो आप लोग इस वीडियो को अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो जरूर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करके हम लोगों के साथ रंग कैनवास का जो इंस्टाग्राम पेज है उसमें भी शेयर कर सकते हो। कोशिश करेंगे अगर उसमें कुछ फीडबैक है आपका ड्राइंग पे तो उसमें कुछ फीडबैक देने का, अगर कोई गलती होता है तो फीडबैक भी हम लोग उसमें ही दे देते हैं। जिन लोग हम लोगों के साथ ये ड्राइंग शेयर करते हो उन लोगों को तो डेफिनेटली पता ही है। तो गाइस आप लोग अगर चाहते हो ये ड्राइंग करके हम लोगों के साथ शेयर करना,
को इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो, और फेसबुक और इंस्टाग्राम में रंग कैनवास को फॉलो करना डेफिनेटली मत भूलिएगा, है ना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेके, तब तक के लिए सही सलामत रहिए, बाय बाय।